देवरिया जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। ये घटना रुद्रपुर के निकट फतेहपुर गांव में हुई, जहां पुरानी रंजिश के कारण 6 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगा रही है। इस घटना ने वहां के लोगों को चौंका दिया है और गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 6 लोगों की हत्या की खबर से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। जनपद देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में भूमि विवाद में एक परिवार की 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी शामिल है। पुलिस के अनुसार गांव में एक व्यक्ति से भूमि विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है और पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत फतेहपुर के ढेले टोला के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे पुत्र जनार्दन दुबे का दूसरे टोला अभयपुर के रहने वाले प्रेमचंद यादव से भूमि को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवादित भूमि को देखने के लिए सुबह करीब 7 बजे प्रेमचंद यादव खेत के निकट पहुंचे थे। इसकी सूचना दूसरे पक्ष के सत्य प्रकाश दुबे को जैसे ही लगी, वह अपने बच्चों के साथ पहुंच गए और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि सत्य प्रकाश दुबे ने मिलकर प्रेमचंद यादव की ईंट से कूदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद घर चले गए और हत्या की सूचना जैसे ही प्रेमचंद यादव के घर वालों को लगी, सभी लोग ललकराते हुए सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। उसके बाद गोलीबारी कर सत्य प्रकाश दुबे और उसकी पत्नी और 2 बच्ची और 1 बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई।